हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबको इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्विज कॉन्टेस्ट का एक जबरदस्त ऑप्शन और जबरदस्त सेशन। इस सेशन में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लास टेंथ की, अर्थात की बिहार बोर्ड 2020, अर्थात जो भी स्टूडेंट मैट्रिक का एग्जाम इस बार देने वाले हैं उनके लिए बेहद जरूरी आज का सेशन रहने वाला है। क्योंकि आज के सेशन में उन टॉप क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उन टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग देखेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और किस फॉर्म में आपका क्विज चलेगा उसके कुछ नियम जान लीजिए आप। हर क्वेश्चंस के बाद आपको हम देंगे 10 सेकेंड का टाइम, आप इस 10 सेकेंड में करेंगे अपने सही आंसर। जो आंसर आपका सही लगता है, जो ऑप्शन सही लगता है, आप करेंगे आंसर। उसके बाद जब कंप्लीट क्विज खत्म हो जाएगा उसके बाद आप अपने मार्क्स अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जिससे हम आपको जज कर पाएंगे कि कितने स्टूडेंट ने कितना आंसर सही किया गलत किया। हालांकि इंडिविजुअली सभी स्टूडेंट का मैं काउंट आपके लाइव सेशन में करता रहूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ जरूर हमें अपने मार्क्स शेयर करें। इसके अलावा मैं आपके सेशन में जरूर और जरूर हर क्वेश्चंस की डिटेल एनालिसिस करके आपको उनके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू से आपको मिलेगी कंप्लीट अपडेट, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन, जिसमें आप अपने आप को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं और बेटर वैसे प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्विज कॉन्टेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज लेकर आया हूँ मैं आप लोग के लिए धातु और अधातु का ऑब्जेक्टिव सेशन। पिछली क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चंस तक देखा था, अब आगे देखना है हम लोगों को क्वेश्चंस। आज देखना है क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का क्वेश्चन कि किस फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे और कितने मार्क्स आप गेन कर पाते हैं। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए, आपकी जो पकड़ होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे होना चाहिए, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर कहीं से भी आए तो आपको कभी भी कोई डाउट का सामना नहीं करना पड़े। और फ्रेंड्स, इसके लिए रसायन अर्थात की केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है हमारा धातु और अधातु, और इसका ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग देख रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, नहीं तो लास्ट में जाते जाते आप लोग भूल कर चले जाते हैं। स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सेशन चल रहा है वो बिहार बोर्ड, जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए स्पेशल बिहार बोर्ड 2000 का स्पेशल बैच चल रहा है फ्रेंड्स। इसलिए आप इस बैच में क्या कीजिए, लगातार बने रहिए, हम चाहते हैं आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दें। फ्रेंड्स, तो एक बात आपको बता दूं कि फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले आज का क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको देंगे 10 सेकेंड का टाइम। इस 10 सेकेंड में करने हैं आपको आंसर, क्योंकि आपका सही जवाब ही आपको बनाएगा आज का टॉपर। मैं अगले क्लास में आज के टॉपर को घोषित करूंगा नाम, जिससे कि आपके मन में भी बने कि किन्होंने सबसे बेहतर मार्क्स किया। हम आपके एक एक क्वेश्चन के आंसर आपने जो किया उसको मार्क करेंगे और देखेंगे कि कितने स्टूडेंट ने सही किया। साथ ही साथ आप जो आंसर लिखेंगे कि कितना आपने सही किया उससे भी मैं वाच करूंगा। इसलिए प्लीज आप अपना कमेंट्स अपने नाम के साथ देंगे, क्योंकि अगले क्लास में हम आपको देने वाले हैं इस क्विज में कौन टॉपर रहा, कौन स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का नाम हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। इसलिए प्लीज पूरे सेशन में लगातार बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए और आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन, और आज के क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। और क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा क्या कहते हैं, फाइव तो हो गया था फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है वो जरा देखिए आप। निम्नांकित में से कौन उपधातु है, फटाफट हमें बताइए कि उपधातु कौन सा है, जल्दी बताइए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम होगा। 10 सेकेंड के अंदर आपको आंसर करने हैं कि इसका सही जवाब आपका क्या है।
जल्दी कीजिए फ्रेंड्स फटाफट, 10 सेकंड का सेशन है आपका, 10 सेकंड का आपके पास टाइमिंग रहेगा। इस 10 सेकंड्स के अंदर आपको बताने हैं कि कौन है इसका सही जवाब। ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं, मतलब पूरे 4 ही ऑप्शन दिए गए, बहुत सारे का मतलब कि मोर देन 4 नहीं, ओनली 4। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, एसपी। एसपी का मतलब एंटी मनी, एसपी का मतलब फ्रेंड्स एंटी मनी। एंटी मनी जो हमारा क्या है, यह उपधातु है, फेरस कॉपर निकेल। फेरस कॉपर को सबको पता है कि धातु है, किसी को डाउट है तो बोलिए। तो ये धातु है और एक ही उपधातु कौन सा दिखता है आपका इसमें, एंटी मनी दिख रहा है, इसलिए एंटी मनी आपका इसका सही जवाब होगा। कुछ स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, जैसे कि नाम दिख रहा है मैं प्रिया सिंह, ठीक है, उसके बाद मधु सिंह, जेपी, जितेंद्र। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अगर ऐसे जवाब देते रहेंगे तो मुझे कुछ दिखेगा, कुछ मालूम चलता रहेगा कि आप कितना सही आंसर कर पा रहे हैं। इसलिए प्लीज आप सेशन को कंटिन्यू रखें और इसे लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। फटाफट बताना फ्रेंड्स कि पीतल क्या है, सोच के बताइए कि पीतल क्या है। आपने धातु की कैटेगरी में रखना है, मिश्र धातु या अधातु, किस कैटेगरी में डालना है आपको पीतल को, बताना है आपको आंसर। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, टाइम कम है, क्योंकि हम देंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम। इस 10 सेकेंड में करना है आपको आंसर, जो आपका सही लगे, जो बेहतर लगे उसे आप कीजिए टिक आउट। फटाफट कीजिए फ्रेंड्स, और सेशन को जितना ज़्यादा हो सके आप उतना अधिक आप सेशन को फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका, वो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। फ्रेंड्स मिश्र धातु के बारे में हमने बताया, तो उपधातु, धातु और अधातु सबके बारे में आपको बता दिया है। देखिए उपधातु जो होता है जो धातु और अधातु दोनों की क्वालिटी रखता है, और मिश्र धातु क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक, यानी जैसे मान लीजिए 3 हो गए, तो दो या दो से अधिक धातु जब एक साथ कंबाइन किया जाता है, और कंबाइन करने के बाद जब एक नई पदार्थ बनता है, मान लीजिए कि ये भी धातु है और ये भी धातु है, दोनों को मिलने के बाद 2-3 धातु मिली और एक नया पदार्थ बन गया, ठीक है। इस नया पदार्थ को हम किस नाम से जानेंगे, इस नए पदार्थ को हम जानेंगे मिश्र धातु के नाम से। और मिश्र धातु हमारा क्या है, पीतल है, जिनके अंदर क्या पाया जाता है। फटाफट आप हमें लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, अगर किसी को पता हो कि पीतल के अंदर क्या क्या पाया जाता है तो फटाफट लिखिए, हम बताएंगे आपको कि पीतल के अंदर क्या क्या होता है। अगर नहीं पता होगा तो बताएंगे, अगर पता होगा तो फटाफट जल्दी कीजिए, फटाफट बताइए हमें कि कौन है पीतल का, आपके पीतल के अंदर कौन कौन से धातु यूज किए जाते हैं, उनके नाम बताने हैं फ्रेंड्स। आंसर फटाफट कीजिएगा, आप नहीं कीजिएगा तो मैं तो फटाफट करूंगा ही, कॉपर और जिंक, ठीक है फ्रेंड्स। इसका यूज करके बनाया जाता है क्या आपका पीतल। पीतल दो धातुओं का बना हुआ एक प्रकार का मिश्र धातु है, जिनके अंदर मेनली कॉपर और जिंक पाए जाते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग ब्रास के नाम से जानते हैं, ब्रास के नाम से जानते हैं, और मिश्र धातु को इंग्लिश में एलॉय कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है। मैंने आपको बताया था आयनिक बंधन के बारे में, आप याद कीजिए और फटाफट बताइए हमें कौन सा आयनिक यौगिक है, क्योंकि हमने पिछले सेशन में इसकी चर्चा किया था। अगर आपने वो सेशन देखा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अगर आपने सेशन नहीं देखा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस सेशन को आप जरूर देखिए आज की इस क्विज कॉन्टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद। चीटिंग नहीं, आपको जो सही लगता है, जितना फास्ट लगता है उतना फास्ट आंसर कीजिए, ऐसा नहीं हो कि मेरे आंसर बताने के बाद आपका आंसर आना चाहिए। कोशिश कीजिए कि 10 सेकेंड के अंदर में आप आंसर लिख दें, क्योंकि आपको ए बी सी या डी लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है आपको ऑप्शन के। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि CaCl2, अर्थात कि कैल्शियम क्लोराइड। यह आपका आयनिक बंधन कैसे है, क्योंकि कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और आपके क्लोरीन कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यह 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे क्लोरीन का 2 अणु है, इसलिए इसके भी आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, अर्थात कि क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा और कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसे डोनेट करना है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देंगे, तो इसका कॉम्बिनेशन फुलफिल हो गया, और इसके पास 2 एक्स्ट्रा था इसका, ये निकल जाने की वजह से इसके भी आउटर मोस्ट में 10 हो गए, तो दोनों अपने आप में क्या हो गया,
एक प्रकार के आपका फुलफिल हो गया, इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस वजह से दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया और ये हमारा हो गया क्या CaCl2 जो हो गया हमारा आयनिक बंधन। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो जरा ध्यान दीजिएगा CH4 जो है CH4 ये देखिए आपका मीथेन जो है आपका ये हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये डोनेट कर दिया कार्बन को तो हाइड्रोजन का अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि नहीं, हाइड्रोजन परमाणु ही खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसलिए बेचारा वो देता नहीं है, इनके साथ क्या करता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी बंधन बनाता है, इसलिए यहाँ पर आयनिक बंधन नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें फ्रेंड्स तो वो देखिए सेम चीज़ है, कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और आपके कार्बन के आउटर मोस्ट पे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है, इसलिए 2-2 इलेक्ट्रॉन के साथ अपना क्या करता है सिस्टम को साझा करता है और साझा करके अपना क्या करता है बॉन्ड बनाता है और यह आपका आयनिक कंप्लीट फॉर्म में किसी को न देता है और ना कोई किसी से लेता है, इसलिए बंधन क्या हो गया हमारा सहसंयोजी बंधन ही हो गया, अर्थात कि यह आयनिक बंधन नहीं हुआ। सेम कंडीशन NH3 के साथ भी होता है, बेचारे नाइट्रोजन क्या करते हैं हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन तो बनाते हैं लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन बनाने की वजह से यह क्या होता है कि कोई किसी को दे नहीं पाता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही है, यहाँ पे बॉन्ड तो बन जाती है इस फॉर्म में, तीनों के अपना अपना बॉन्ड तो बन जाता है लेकिन यह बॉन्ड क्या करता है किसी को नहीं दे पाता है, अर्थात कि न तो यह आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे पाता है ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन को दे पाता है, इसलिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात कि सहसंयोजी बंधन, इसलिए एक ही ऑप्शन है CaCl2 जो क्या करता है आयनिक बंधन बनाता है और आपका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर सी ही होगा। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, बताइए फ्रेंड्स कौन ऑक्सीजन से संयोग जल्दी नहीं करेगा, परमानेंटली नहीं मतलब कि लगभग लगभग नहीं करेगा, आपको ये बताना है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा फटाफट आंसर करते जाइए, थोड़ा मजा आता रहेगा मुझे भी समझ में आएगा कि आप क्लास में बने हुए हैं, नहीं तो मालूम चलेगा भुजा खाने के चक्कर में आप सो गए, फटाफट आंसर कीजिए। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका वो है जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात कि गोल्ड सोना, मैंने आपको बताया था कि यह सक्रिय जो आपका अभिक्रियाशील समूह है इनके सबसे निचले स्तर पे आता है अर्थात कि अभिक्रिया करने के मामले में सबसे कमजोर है, यह किसी से अभिक्रिया करना नहीं चाहता है, चाहता है कि भाई हम निष्क्रिय कंडीशन में रहे, इसलिए गोल्ड ऑक्सीजन के साथ सामान्य रूप में अभिक्रिया नहीं करता है, अगर करता तो जब ये हमें धातु प्राप्त होते जब ये ईंधन प्राप्त होता सॉरी जब ये धातु निष्कर्षण करने के लिए निकालते हैं तो गोल्ड भी किसके फॉर्म में मिलता ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता, लेकिन ऐसा नहीं होता है ऑक्साइड के फॉर्म में प्राप्त नहीं होता है, इसलिए क्या होगा गोल्ड जो है इससे अभिक्रियाशील नहीं होता है। कॉपर के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड, जिंक से जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम तो सबको पता है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता ही है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका गोल्ड है अर्थात कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है, गोल्ड ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, क्यों नहीं करता है इसके बारे में चर्चा हमने पिछले क्लास में किया हुआ है, इसलिए अगर नहीं पता हो तो पीछे की क्लास आप एक बार जरूर देख लें, ये तो सबको पता होगा, लड़का को पता हो चाहे नहीं पता हो लेकिन लड़की को सबको पता होगा, फटाफट बताओ सोना कितना कैरेट वाला खरीदना चाहिए हमको, दुकान में जाते हैं कहते हैं कि बस 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 वही सोना देना ही हमको, मम्मी कही है कि यही सोना लेकर आना है, फटाफट बताओ कितने कैरेट सबसे शुद्ध सोना, इसमें किसी का अगर गलती होता है इसका मतलब मामला बहुत गंभीर है, फटाफट बताओ कौन सही है इसका आंसर, सोना कितना कैरेट शुद्ध होता है, और फ्रेंड्स इसका सही जवाब बात करें तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, कितना कैरेट 24 कैरेट सोना, ठीक है, जिसमें लगभग 99% आपका क्या होता है सोना की शुद्ध मात्रा होती है, इसलिए सोना की शुद्धता जो हॉल मार्क्स वाला सोना होता है वह आपका 24 कैरेट सोना होता है, हालांकि हम लोग को जो यूज करना चाहिए सोना वह 22 कैरेट वाला यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 24 कैरेट सोना जो होता है वह सोना की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है और जो रेगुलर यूज चाहिए आपको तो रेगुलर यूज में काफ़ी जल्दी वह गल जाता है ख़राब हो जाता है,
लेकिन आप 22 कैरेट लीजिएगा तो उसमें कुछ अशुद्धि मिलाया जाता है जिनके वजह से आपके पास वो ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा। इसलिए 22 कैरेट सोना का यूज करना चाहिए और 24 कैरेट सोना जो होता है परफेक्ट सोना होता है, जो ले लीजिएगा अगर कभी ज़रूरी पड़ेगा बेचने की तो आप अच्छे दाम में उसे फिर बेच भी सकते हैं, लेकिन 22 कैरेट वाला का दाम बेहतर नहीं मिलेगा। इसलिए अगर बेचने की दृष्टि से लेनी है तो 24 कैरेट, लेकिन अगर रेगुलर यूज के लिए लेनी है तो मेरी मानिए 22 कैरेट लीजिएगा अगर रेगुलर यूज के लिए चाहिए तो। और नहीं तो अगर मान लीजिए कि किसी ओकेजनली पहनना हो, सपोज दैट मान लो कि शादी विवाह किसी ओकेजन पर भारी लेना है कोई चीज़, तब आपको लेना है किसका 24 कैरेट का, अदरवाइज रेगुलर यूज करने के लिए नाक कान या फिर आपके गले में जो भी यूज करते हैं आप लोग चैन वगैरह वो सभी किसके होने चाहिए 22 कैरेट सोना का होना चाहिए, राइट। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपको, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अधातु पूछ रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और कमरे के तापमान पर लिक्विड कंडीशन में। हमने अपवाद में कुछ क्वेश्चन चर्चा किए थे, आपको बताना बस वही क्वेश्चन का आंसर कि कौन ऐसा धातु है अधातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर भी किस अवस्था में होता है, लिक्विफाइड अवस्था में होता है। जनरली सभी धातु और अधातु सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन कोई है जो कि अधातु भी है और द्रव अवस्था में भी है, नाम बताओ फटाफट, जल्दी करो फटाफट करो, ये आंसर मस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लिख देते हैं पहले ही कि VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे हेड मार्क मार्कर चलो, एकदम रेड मार्किंग कर दो कि क्वेश्चन आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन ये मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है आपका, ब्रोमीन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था अधातु के लिए कि कमरे के ताप पे कौन लिक्विड कंडीशन में है। अगर सेम क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंजेज हो जाता या अधातु के जगह पे, यहाँ पे अगर अधातु के जगह पे अगर ये केस धातु का होता, धातु अगर पूछ देता तो धातु के कंडीशन में आपका आंसर भी चेंज हो जाता और तब आपका क्या आंसर बनता, तब आंसर बनता ऑप्शन नंबर बी अर्थात की पारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अधातु पूछे तो ब्रोमीन, अगर धातु पूछे तो पारा, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में पाया जाता है, बताओ फ्रेंड्स क्लियर है सब, किसी को डाउट है तो बोलिए। एक क्वेश्चन से आपने दो क्वेश्चन माइंड कर लिए, याद कर लिए, रिवीजन कर लिए कि धातु और अधातु किस फॉर्म में पूछेगा तो क्या करना है आपको, आंसर क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को, चलिए क्लियर है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सीसा और टीन का मिश्र धातु कौन सा है, सीसा और टीन का मिश्र धातु कौन सा है, फटाफट आपको बताना है आंसर, जल्दी कीजिए, टाइम कम है क्योंकि हम देने वाले सिर्फ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में पहला पांच शुरू करेंगे फिर लास्ट वाला पांच बोलेंगे, नहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं आप लोग। जल्दी कीजिए आंसर फटाफट क्योंकि सिर्फ आपके पास 3 सेकेंड बचे हुए हैं ओवर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, शोल्डर। शोल्डर आप लोगों ने नाम सुना है, शोल्डर मीन्स कंधा, नहीं, शोल्डर का मतलब होता है जैसे आप तार की वायरिंग कराने जाते हैं, टीवी में तार खराब हो गया छोड़ देता है या फिर आपका रेडियो यूज होता है उसमें, तो क्या करते हो वहां पर देखते होंगे कि एक आपका रॉड की तरह ऐसे बना हुआ होता है जिसके ऊपर आपका एल्युमिनियम का आपका सर की तरह होता है, एक पतला सा आपका वायर होता है जिसकी थ्रू से वहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ भी तार का वायरिंग करना होता है वहाँ पे उसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो ये पॉइंट है जो यूज किया जाता है शोल्डर, ठीक है, ये जो वायर है जिनसे आपका गल के यूज होता है वो फ्रेंड्स क्या है, इसमें सीसा है और टीन है, इस दोनों का यूज इसमें होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है। क्लियर है फ्रेंड्स, किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, मिश्र धातु में, मिश्र धातु ने बताया दो या उससे अधिक जब धातु मिक्स होते हैं और एक नया मटेरियल तैयार करते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं, मिश्र धातु के नाम से जानते हैं, बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं सब किसी को, जल्दी जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं सबको, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स क्लियर तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काट सकते हैं, कौन ऐसा है जिसे मर्डर किया जा सकता है चाकू से, फटाफट बताओ। एक इजी वाला ऑप्शन आता है जो कि एग्जाम में भी दिया जाता है या फिर कोई भी टीचर जनरली वही बताते हैं और वही बच्चा सब याद करके रहता है,
लेकिन मैं आपको क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया हुआ है वह एक और वाला है जो दिया हुआ है। हमने दो तीन बताए थे आपको, उसमें से दूसरा वाला ऑप्शन दिया हुआ है आज। अब ढूंढिए कितना चीटिंग कीजिएगा, कितना दिमाग लगाइएगा, वो भी देखने वाली बात है। जल्दी कीजिए फटाफट फ्रेंड्स, और इसका सही जवाब जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लिथियम। आप लोग कॉमन क्या याद रखते हैं, सोडियम को। क्या याद रखते हैं आप लोग, सोडियम। और सोडियम ज़्यादातर एग्जाम के ऑप्शन में दिया भी रहता है, इसलिए आप लोग या टीचर भी बता देते हैं सीधा कि सोडियम याद रखो, जिसे चाकू से काट सकते हैं आसानी से, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, यही याद रखते हैं। लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स, लिथियम भी इसी के कैटेगरी में आता है, सोडियम के कैटेगरी में भी, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, वो आपका इजी होता है काटना, इस वजह से सोडियम को भी क्या किसके कैटेगरी में रखा जाता है, चाकू के काटे जाने वाले मटेरियल में रखा जाता है, सोडियम को भी और लिथियम को भी, दोनों को। इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था। बहुत किसी का सही जवाब आ रहा है। अब हमें देखना यह है कि आज का टॉपर कौन बनने वाला है, किस स्टूडेंट ने किया सबसे अच्छा आंसर, इसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा, लास्ट तक हमारे सेशन को देखना पड़ेगा, तब मालूम चलेगा कि किस स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा आंसर किया। इसलिए बीच में आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, जितने फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करके रखेंगे, ताकि आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और देखना यह है कि टॉपर कौन है, ठीक है, टॉपर जो बनेंगे उनको मैं इनाम भी दूंगा, ठीक है, लेकिन इनाम कैसे दूंगा इसकी घोषणा मैं अगले क्लास में करूंगा। अब ये नहीं कहेंगे सर जी ऑनलाइन आप इनाम कैसे देंगे, आप मोबाइल में रिचार्ज तो नहीं कराने वाले हैं ना, ऐसा नहीं है भाई, आपको मैं गिफ्ट हैम्पर दूंगा लेकिन अपने तरीके का। फ्रेंड्स ये 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, फटाफट बताओ मुझे कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, फटाफट कीजिए आंसर। अभिक्रियाशील समूह में सबसे ऊपर कौन रहता है, हमने बताया था आपको ट्रिक, पहले याद रखना है आपको उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पे, अब हिंट से दे दिया, अब बताओ फटाफट कि सही आंसर कौन है। या फिर आपको याद होगा विस्थापन की अभिक्रिया में हमने बताया था कि विस्थापन में जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कम अभिक्रियाशील को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो वो भी याद होगा तो आप आंसर कर सकते हैं। हालांकि नाम ही ऐसा ऐसा दिया हुआ है कि एक ही बार में लगेगा कि बस कन्फर्म है कि आंसर ही सही होगा। और फ्रेंड्स आपका टाइम होता है ओवर, और इसके सही जवाब की बात करें तो फ्रेंड्स आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर एक कॉपर, ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, कॉपर, अर्थात कि कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है अगर इन चार ऑप्शन के मामले में बात करें, जैसे मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, उसके बाद सिल्वर हो गया, ठीक है, और मरकरी हो गया अर्थात कि पारा, तो इन सभी से तो जरूरी आपका कॉपर क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए कॉपर इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। लेकिन अगर हम कॉपर को साइड कर दे भाई, कि कॉपर को अलग हो जाओ, तब बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा होगा। आपको इस पहला ऑप्शन को हटा दीजिए, पहला ऑप्शन ऐसे ही ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था, लेकिन आपको ऑप्शन दे दिए नीचे वाला तीन, HG, HG और AU, अब जरा बताइए कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, मरकरी, सोना या फिर चांदी, जल्दी कीजिए आंसर। फटाफट करें आंसर कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, लास्ट से चार लोगों तो भी क्लियर हो जाएगा। गोल्ड सबसे कम है कि नहीं है, उसका पड़ोसी है चांदी तो उसके बाद आएगा कि नहीं, और उसके पीछे मरकरी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और जब मरकरी आएगा तो लास्ट में कॉपर बच जाएगा, हो जाएगा आंसर क्लियर है फ्रेंड्स। किसी को डाउट नहीं होगा आज के सेशन में, अगर डाउट हो तो कमेंट्स करते चलिए, हम सॉल्यूशन साथ साथ देते चलेंगे आपके लिए, क्लियर है फ्रेंड्स। अर्थात कि गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील, कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ये याद रखना है आपको। हालांकि मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि आपको फाइनल पॉइंट में देखना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसके आउटर मोस्ट में एक या दो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, और जिनके लास्ट में तीन या चार इस तरह से हो, तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील के अंतर्गत आएंगे। एक और दो की बात कर, ठीक है, एक और दो की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो एक और दो में क्या आते हैं, एक और दो में जैसे सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिसकी आउटर मोस्ट में तीन है, तो इस तरह से ज़्यादा अभिक्रियाशील है चार वाले कार्बन कैटेगरी में आ जाएंगे आपके AG, AU, ये सब इसके कैटेगरी में आएंगे, जिनके आउटर मोस्ट में
आपके इलेक्ट्रॉन एक या दो नहीं हो तो वो अभिक्रियाशील समूह के निचले कैटेगरी में आएंगे। एक और बात, जिनके आउटर मोस्ट में 6 या 7 हो ये भी आपके क्या होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील समूह के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये अभी लेने के लिए बड़ी जल्दी रहती है इनको, क्योंकि 6 है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी पूरा खर्चा पूरा करने के लिए, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए 6-7 हो या आउटर मोस्ट में 1-2 हो, ये सभी अभिक्रियाशील समूह में आते हैं पहले। और मैंने पहचाने का नियम बताया था, ये आपके धातु की कैटेगरी में जिनके लास्ट में 1, 2 या 3 हो और लास्ट में जिनके 5, 6, 7 हो वो किसके कैटेगरी में, अधातु के कैटेगरी में है। इसलिए अभिक्रियाशीलता दिमाग रखना आपको 1, 2 या 3 वाला। क्लियर फ्रेंड्स, अब किसी को डाउट है तो फटाफट कमेंट कीजिए, अदरवाइज चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है जरा वो भी देख लीजिए आप। बिल्कुल इजी, इजीएस्ट, फटाफट बताओ कि अधातु कौन इसमें से। क्वेश्चन का रिपीटेशन है लेकिन दिमाग लगना चाहिए आपका, 5 सेकेंड के जल्दी से पहले आंसर आना चाहिए आपका, दिमाग लगाइए, सिर्फ 5 सेकेंड में आंसर लाइए, क्योंकि एग्जाम में हम आपको रिस्क लेने नहीं देना चाहते। आपका क्वेश्चन कैसा भी हो, इजी हो, मॉडरेट हो या फिर आपका डिफिकल्ट हो, लेवल कैसा भी हो, आपका लेवल उससे हाई होना चाहिए। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। कार्बन क्या है, क्वेश्चन का रिपीटेशन, किसी को डाउट नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, अधातु। इस क्वेश्चन को करते इसकी सबका सही होगा, 1 मार्क्स में सबको अपने तरफ से दे दिया, 1 मार्क्स आपका सब किसी का रहेगा सेम, क्योंकि क्वेश्चन का रिपीटेशन दूसरे तरीके से किया गया था, इसलिए 1 मार्क्स सबको प्लस रहेगा, 1 मार्क्स प्लस करके मैं दूंगा। उस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग काउंट नहीं कीजिएगा, ठीक है। फटाफट बताइए कि सिलिका क्या है, जल्दी बताइए सिलिका क्या है, जल्दी कीजिए। धातु है, धातु, धातु है फिर, या फिर और कुछ है तो भी बता सकते हैं आप। सिलिका मतलब पहले समझते हैं कि सिलिका क्या है तो आसानी से आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज जो मर्जी आंसर टेक आउट कीजिए। चलिए 5 सेकेंड और देंगे, 5, 4, 3, 2, 1 एंड फाइनल। फ्रेंड्स इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं था, बहुतों ने इसमें आपका तुक्का भरने की कोशिश की करी थी तो उनके तो गलत जवाब होंगे ही। फ्रेंड्स SiO2 अर्थात कि सिलिका की अगर बात करें तो सिलिका जो है आपका जो रेत होता है उससे हम लोग सिलिका कहते हैं, तो सिलिका जो रेत है वो रेत धातु है क्या धातु है कि उपधातु है, फटाफट बताइए तो। कुछ भी नहीं है भाई इस तीनों में से, इसलिए आपका सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, किसी को डाउट नहीं होगा। सिलिका इसका सूत्र SiO2 होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था जिस समय निष्कर्षण की बात कर रहे थे और अशुद्धि को कर रहे थे बाहर। फ्रेंड्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के जो धातु होगा यानी हाइड्रोजन के बाद वाले जो धातु होंगे, फटाफट बताइए कि क्या होगा उसके साथ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जरा सा याद करना पड़ेगा पिछले चैप्टर और इस चैप्टर दोनों का कॉम्बिनेशन बैठाइए, मेरे बातों को याद कीजिए, थोड़ा सा जो 3D में आपको दिखाया था रिएक्शन उन रिएक्शंस को याद कीजिए और फिर आप बताइए किसका सही जवाब आपका क्या होगा। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, टाइम कम है और जानना चाहता है, अभी टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए थोड़ा सा टाइम को आप लोग ध्यान रखिए और फटाफट आंसर कीजिए। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि हमने आपको नहीं बताया था कि कोई भी धातु होगा मेटल जो होगा किससे अभिक्रिया करेगा, जब एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस देगा बाहर, हाइड्रोजन गैस देगा कि नहीं देगा, बताओ फटाफट। हमने बताया था कि मेटल जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, कोई धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस देने वाला है, हाइड्रोजन गैस देगा, बताओ। इसको 3D एनिमेशन के साथ रिएक्शन दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे, इसके बावजूद भी आपका गलती है तो इसमें हमारा क्या गलती है बताओ, जब इतना समझाया था पिछला क्लास में उसके बावजूद भी अगर आपका आंसर सही नहीं आ रहा है तब तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। जिसने भी सही आंसर किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच, मेनी मेनी थैंक्स, ठीक है, और जिसने आंसर नहीं गलत किया उनके लिए भी थैंक्स,
क्योंकि उन्होंने अब सुन लिया, अगले बार से वीडियोस को रिपीट करके फिर से देखेंगे, ठीक है। एक बार और वीडियो देख लीजिएगा डाउट हो तो। मैं कहता हूँ कि आपको कभी टाइम मिले, अगर किसी पॉइंट पे डाउट हो तो आप वीडियोस को फिर से आप रिवाइंड करके देखते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे पॉइंट अवेलेबल कराया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए भूलना नहीं है, रिवाइज करना है, नोट्स तैयार करना है, इंपॉर्टेंट बातों को लिख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, या फिर किसी भी फॉर्म में टेलीग्राम पे आप, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे, उनके लिए हम आपकी कोशिश करेंगे। अगर किसी ग्रुप में नहीं आप तो आप क्या कीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, सीधा मेरे पास आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, ठीक है। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं, फटाफट बताइए कि आयन कौन सा बनेगा धातु पे। बताओ, हम इस क्वेश्चन को इजी में समझा दिए हैं, आपको इजी में दे दिए हैं, हालांकि क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा आपको। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं। अब देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, लेकिन हम आपको समझा दिए कि बताओ कौन सा आयन धातु पर बनेगा। अब फटाफट आंसर चाहे तो कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो आंसर अभी नहीं होने वाला है आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका सही जवाब आपके लिए धनायन, अर्थात की पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको आयन समझाया था कि नहीं समझाया था, थोड़ा सा याद कीजिए जरा से एक बार। हमने बताया था कि सोडियम के बारीक कक्षा में जब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इस पर एक पॉजिटिव आयन आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आएगा वो भी जान लो। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव वाला, और प्रोटोन कितना होते हैं, 11 होते हैं आपके पॉजिटिव वाला। थोड़ा सा मैं अपने फोटो को करता हूँ साइड, अर्थात की फोटो को मैं यहाँ साइड कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो हमने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन आपके कितने पाए जाते हैं आप 11, और प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं 11। अब दोनों जरा ध्यान दीजिए कि जब 11 माइनस वाला है और प्लस वाला भी 11 टो है, दोनों को आप जोड़िए तो क्या आंसर आएगा, आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अर्थात कि दोनों का वैल्यू जीरो हो जाएगा, कोई उस पर आयन कोई भी चार्ज नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन मारा जिसमें से निकल के बाहर गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, सिर्फ माइनस वाला आपके पास बच गया 10, 10 माइनस वाला, और प्लस वाला कितना बचा है 11। अब इसको जरा कीजिए तो एक प्लस वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यह कौन सा आयन दिखा रहा है आपको, पॉजिटिव आयन अर्थात की धनायन। यह क्या दिखा रहा है फ्रेंड्स, यह दिखा रहा है आपको धनायन। अब बताओ जब धनायन दिखा रहा है तो बताओ कि कौन सा आयन आपको दिखेगा, सही आंसर पूछ रहा है कौन सा आपका धातु पे दिखना चाहिए, तो क्या सही आंसर होगा आपका, धनायन होगा कि नहीं होगा बताओ फ्रेंड्स। जितना इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस करेगा उतना पॉजिटिव पावर उसका बढ़ेगा, जब पॉजिटिव पावर उसका बढ़ेगा तो वह क्या कहलाएगा, धनायन ही तो कहलाएगा, बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं सब किसी को। धातु हमेशा धनायन बनाता है और धातु हमेशा ऋणायन बनाता है, हमने इस बात को आपको बहुत बार समझाया है, क्योंकि इसके बारीक कक्षा में 1 से लेकर 3 तक, उसके बारीक कक्षा में 5 से लेकर 7 तक पाया जाता है, और 5 से 7 के लिए इलेक्ट्रॉन लेना है और 3 तक वाले इलेक्ट्रॉन को करेंगे त्याग। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उस पर माइनस घट के पॉजिटिव में बढ़ जाएगा, और आपका क्या होगा उसके उल्टा, उसके उल्टा अगर जाएंगे तो आप किस पे चले जाएंगे, हम उसके उल्टा जाए तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ, वो पहुंच जाएंगे हम अधातु पे। अधातु इलेक्ट्रॉन को लेता है इसलिए इलेक्ट्रॉन अर्थात माइनस वाला बढ़ेगा तो उस पर कौन सा आएगा, ऋणायन का साइन आने वाला है। क्लियर है फ्रेंड्स, अब किसी को फटाफट एक बार हमें थंबनेल की थंप अप कीजिए, थंब्स अप कीजिए कि आप लोग का क्लियर है पॉइंट सबको, एक बार थंब्स अप कीजिए फटाफट कि सबका पॉइंट क्लियर है, राइट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, धातु का ऑक्साइड सामान्यतः क्या होता है, हमने इसको भी दिखाया था आपको, धातु के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड, अर्थात कि हमने दिखाया कि जब उसको जला लेते हैं, हम आपको सल्फर वाला दिखाया था एग्जाम्पल कि सल्फर को जला लेते हैं और सल्फर को जलाने के बाद कहाँ ले जाते हैं, पानी में ले जाकर डुबो देते हैं, तो डुबोने के बाद क्या बनाता है, ठीक है। उसी तरह से मैंने एक और एग्जाम्पल दिखाया था आपको कि आपका जो होता है क्या कहते हैं
सोडियम जो होता है उसको हमने दिखाया था, उसको जलाते हैं और जलाने के बाद क्या प्राप्त होता है वो भी हमने दिखाया था। फटाफट बताइए, अगर जल्दी बताइए, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? और फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्षारकीय। हमने आपको बताया था कि Na2O ये क्या हो गया, सोडियम के ऑक्साइड बना, और सोडियम के ऑक्साइड को आप जल के साथ मिला दीजिए, अर्थात कि इसका क्या कीजिए आप, विलयन तैयार कीजिए, तो आपको NaOH प्राप्त होगा कि नहीं। और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें OH ग्रुप जब दिख रहा है, जब OH दिखे तो वह क्या होगा बताओ, क्षारीय होगा कि नहीं। हम आपको पहचानने का नियम बताया था कि नहीं, हमने क्षार और लवण में बताओ फ्रेंड्स, हम बताया था कि नहीं आपको, हमने क्षार और लवण वाले पॉइंट में कि आपको पहचानने का नियम, उसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जिस जो OH निकाले, अर्थात कि जिनके टूटने से OH आपका हाइड्रोक्साइड निकले वो आपका क्षारीय होगा, और जिनमें हाइड्रोजन गैस निकले वो क्या होगा, फटाफट बताओ मुझे, थोड़ा जल्दी बताना। जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा वो कौन सा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय विलयन होगा? फ्रेंड्स, वो होगा आपका अम्लीय। हाइड्रोजन गैस जिसमें निकले वो क्या होगा, आपका अम्लीय होगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि अधातु का जो विलयन प्राप्त होगा वो अम्लीय प्राप्त होगा, और जो आपका धातु का प्राप्त होगा वो क्षारीय होगा। याद रखिए ना, धातु का क्षारीय और अधातु का अम्लीय, ठीक है? आप याद रखिए ना, सीधा एग्जाम्पल हम तो शॉर्ट ट्रिक में बताना चाहते हैं आपको, शॉर्ट में कि याद रहे आपको, आम याद रखिए, आम से क्या याद रहेगा, अधातु का जो विलयन होगा क्या होगा आपका, अधातु का जो विलयन होगा अम्लीय होगा, अधातु का आम अर्थात कि अम्लीय होगा, अधातु से आम बनेगा, अ से आम यानी कि अ से आम अर्थात कि अधातु का कैसा होगा, अम्लीय होगा। बताओ फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो बोलिए, याद रहेगा ना, अ से आम, अ से आम याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, अ से आम याद रखो यानी कि अ धातु से अम्लीय बनेगा, राइट? चलिए अगला देखिए, अयस्क से चुंबकीय शुद्धि को दूर करने की विधि। अब बताओ फ्रेंड्स, इसमें किसी को डाउट है, ऐसा लगे है किसी को कि नहीं बन पाएगा, फटाफट बताओ फ्रेंड्स, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, अगले क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चंस को हम जरूर देखेंगे, फटाफट इसका आंसर बताइए हमें, जल्दी कीजिए। और फ्रेंड्स, का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। हमने दो विधि आपको बताई थी, चुंबकीय पृथक्करण और गुरुत्व पृथक्करण विधि, बताओ फ्रेंड्स दोनों बताई थी कि नहीं, एक गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा काम करेगा और एक चुंबकीय बल के द्वारा काम करेगा। उसके बाद सांद्रण की विधि बताया था कि फेन पलवन विधि, किसी को दो कड़ आप क्या कीजिए, झाग पैदा करके निकाल लीजिए या फिर हाथ से चुन कर अलग कर लीजिए। तो बताओ फ्रेंड्स, चुंबकीय पृथक्करण विधि, किसी को डाउट था उसमें, चुंबक वाला मटेरियल इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि दो छोटा छोटा चक्री लेना है और दोनों चक्री के ऊपर क्या करना है, एक पट्टा बिछा देना है, और इनके ऊपर एक जो होगा ये वाला, ये क्या करना है, चुंबक का बनाना है, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, मटेरियल को डालेंगे, ऐसे आपका आगे की तरफ बढ़ेगा, जो चुंबक वाला शुद्धि होगा नीचे गिरेगा, और जो बेकार वाला मटेरियल, जो अच्छा वाला मटेरियल हो दूर जाके गिरेगा। इससे हम क्या करेंगे, चुंबक वाला अलग और अच्छे मटेरियल को अलग कर लेंगे। इस प्रयोग को हमने आपको दिखाया था पिछले क्लास में, अगर आपने मेरा सेशन देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो जाकर आप देख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। आज के सेशन में हमने क्वेश्चन टोटल देखे, वो क्वेश्चन थे हमारे कितने, 5 क्वेश्चन उधर था और 11 क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन। फटाफट 16 क्वेश्चन में आप हमें आंसर कर जाइए कि आपने कितना सही जवाब दिया है, फटाफट हमें बता दीजिए कि 16 में से कितना सही है। इनमें से एक क्वेश्चन हमने बोला था छोड़ देने के लिए, क्योंकि एक को मार्क्स मैं सबको दूंगा। अब बताइए कि 15 में से किसके कितने सही है, हालांकि मैंने देखा है लाइव सेशन में किसने कितने सही किए हैं, इसलिए झूठ नहीं बोलेंगे, अपने नाम के साथ अपना नाम भी दर्ज करेंगे और उसके बाद अपना मार्क्स बताएंगे। फटाफट आंसर कीजिए, जितना स्टूडेंट है उस सभी स्टूडेंट को करना है, क्योंकि मेरा तबीयत खराब रहता है फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपका सेशन दूँ, इसलिए थोड़ा सा आप मेरे पे ध्यान रखेंगे और इस चीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे।
कि आप लोग बिल्कुल कमेंट्स तो करना भूलिएगा नहीं, और लाइक बटन देख लो, लाइक किसी ने नहीं किया हो तो लाइक कर दो। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं गलती से लाइक और अनलाइक दोनों पकड़ में है, लाइक की जगह पे अनलाइक मार देते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा भाई। देखिए ऐसे ऊपर की तरफ अंगूठा दिख रहा है वो लाइक हो गया, ठीक है, और नीचे की तरफ जो अंगूठा दिख रहा है, ठीक है, जो नीचे की तरफ दिख रहा है वो आपका क्या हो गया, अनलाइक हो गया। तो आपको देखना है कि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा कि नहीं, अच्छा लगा तो ऊपर वाला अंगूठा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो नीचे वाला अंगूठा भी आप क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आप हमें बता दीजिएगा कि आप मेरे सेशन में आपको क्या बुरा लगा है, हम कोशिश करेंगे अगले सेशन में और बेटर आपके लिए क्लास लेकर आऊँ। आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए अ लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।